फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, क्या आप एक फोटोग्राफर हैं, क्या वीडियोग्राफर हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका फोटोग्राफी को, क्या वीडियोग्राफी को थोड़ा बहुत इंप्रूव करने का, और आप सोच रहे हैं कि आपका जो बजट है, बजट बहुत ही कम है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो पे मैं आज आपको 5 ऐसा DSLR कैमरे के बारे में बताने वाला हूं जो अंडर 30,000 है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंट यू, मैं प्रियंका आपके साथ हर वक्त रहूंगा। फ्रेंड्स मेरा अपकमिंग जो वीडियोस है उसको अगर मिस करना नहीं चाहते हैं, मेरे चैनल के साथ अगर जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज मेरा वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वहां पे जरूर क्लिक कीजिए, और उसके पास जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहां पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे क्लिक करने से मेरा अपकमिंग जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स यहां पे पहला जो कैमरा की बात करूंगा वो है फ्रेंड्स Canon 1300D। देखिए फ्रेंड्स Canon 1300D कैमरा बहुत ही एकदम मतलब एंट्री लेवल DSLR कैमरा है और बहुत ही अच्छा कैमरा है, और इसमें जो सेंसर यहां पे मिलते हैं आपको 18 मेगापिक्सल, यहां पे इमेज प्रोसेसर सेंसर जो CMOS सेंसर होते हैं वो आपको यहां पे मिल जाते हैं। यहां पे आपका जो इमेज का जो क्लियरिटी होगा या आपका वीडियो का जो क्लियरिटी होगा बहुत ही क्रिस्प आएगा और बहुत ही अच्छा होगा। देखिए फ्रेंड्स यहां पे इस कैमरा पे आपको लो लाइट पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसके साथ जो आपका 18-55mm का जो लेंस देते हैं वो ठीक ठाक काम नहीं करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा आपको मतलब अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत आपको महंगा जो लेंस होते हैं, जो दूसरा लेंस होते हैं, जैसे कि आपका 55mm का लेंस हो गया या 35mm का लेंस हो गया, क्या कुछ भी आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। इवन फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप ज़्यादा फोकल लेंथ का आप यहाँ पे लेंस लगाना चाहते हैं तो इस बॉडी पे आप लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो DSLR कैमरा है वो आपका मतलब DSLR का जो बॉडी होते हैं वो आपका सेम ही रहते हैं, आप यहाँ पे कोई भी लेंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक एक कंपनी का आपका बहुत सारा लेंस आपको मार्केट पे अवेलेबल मिल जाते हैं और आप उसको ईजिली आपका जो बॉडी है बॉडी के हिसाब से आप वहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पे लेंस का कुछ अलग कैटेगरी यहाँ पे आते हैं, जैसे कि आपका क्रॉप सेंसर का जो बॉडी होते हैं उसमें अलग सा लेंस लगते हैं, आपका जो मिररलेस जो कैमरा होते हैं वहाँ पे अलग सा लेंस लगते हैं, तो इसके बारे में बाद में बात करूंगा क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो पे मैं पूरा कवर नहीं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी बात करता हूँ Canon 1300D के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका जो ISO आते हैं वो आपका 100-6400 तक आपको यहाँ पे ISO आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और फ्रेंड्स इसके साथ यहाँ पे जो ऑटो फोकस पॉइंट यहाँ पे आते हैं वो 9 ऑटो फोकस पॉइंट यहाँ पे आपको दिया जाते हैं विद आपको 1 क्रॉस ऑटो फोकस पॉइंट आपको यहाँ पे दिया जाते हैं। तो ये कैमरा बहुत ही अच्छा है, आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एंट्री लेवल के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम खरीदने चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। और फ्रेंड्स इस कैमरा पे अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे 180 मतलब फुल HD आप रेजोल्यूशन का वीडियो यहाँ पे क्रिस्पी क्लियर आप वीडियो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो FPS होते हैं 180p अगर आप खींचना चाहते हैं तो आपको 30fps पे आपको यहाँ पे खींचना पड़ेगा। और फ्रेंड्स उसके बाद नंबर 2 पे जो कैमरा की बात करूंगा वो फ्रेंड्स D3500 जो निकॉन का आते हैं, और फ्रेंड्स ये कैमरा आपको 24.2 मेगापिक्सल पे यहाँ पे आ जाते हैं, और फ्रेंड्स इसका जो ISO यहाँ पे आते हैं वो है 100-25600 तक, मतलब यहाँ पे ISO लेवल आपको बहुत ही ज्यादा हाई रेंज का आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स इस बॉडी के साथ आपको यहाँ पे 11 ऑटो फोकस पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पे ऑटो फोकसिंग के टाइम पे ट्रैकिंग करने के लिए बहुत ही सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसका वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे 180 पिक्सल मतलब यहाँ पे फुल HD रेजोल्यूशन आप यहाँ पे खींच सकते हैं, और ये आपका 60 फ्रेम पर सेकेंड पे यहाँ पे आपका खींच सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका प्राइस की बात करता हूँ तो यहाँ पे 27,000 अराउंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आप देख सकते हैं। तो ये हर एक का लिंक मैं मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ हर एक कैमरा का, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद जो कैमरा की बात करूंगा वो फ्रेंड्स Canon 1300D के बारे में। देखिए फ्रेंड्स Canon 1300D एक एंट्री लेवल DSLR के लिए, मतलब जो एंट्री लेवल DSLR खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही बेहतर है। और फ्रेंड्स ये जो कैमरा है बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही हैंडी है, आप मतलब बहुत ही फास्ट शूटिंग कर सकते हैं, और इसका जो शटर स्पीड है मतलब शटर जो आप खींचेंगे, मैं खुद यूज़ किया हूँ इसको, और बहुत ही फास्टली ये मतलब सेंस करते हैं और बहुत ही अच्छा है कैमरा। और फ्रेंड्स ये कैमरा आपका 18 मेगापिक्सल यहाँ पे आते हैं, और आपका यहाँ पे सबसे जो मेन जो चीज़ है यहाँ पे DG4+ यहाँ पे इमेज प्रोसेसर सेंसर आपको CMOS सेंसर आपको यहाँ पे दिया जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे कैनन का जैसे मैं 1300D में बताया था आपको, यहाँ पे 180 पिक्सल आप यहाँ पे खींच सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 30 फ्रेम पर सेकंड पे आपको यहाँ पे खींचना होगा। और फ्रेंड्स उसके साथ साथ यहाँ पे ऑटो फोकस पॉइंट जो दिया है वो फ्रेंड्स 9 ऑटो फोकस पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है, और इसका जो प्राइस यहाँ पे आते हैं वो फ्रेंड्स 25,000-26,000 अराउंड इसका आपको प्राइस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका भी
लिंक में मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, तो वहां पे जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद जो नंबर 4 जो यहां पे कैमरा की बात करूंगा वो मेरा खुद का कैमरा है, और फ्रेंड्स निकॉन D5200। और फ्रेंड्स इसका जो प्राइस यहां पे आते हैं 27,000 to 28,000 के अंदर यहां पे आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। और इसका जो मेगापिक्सल यहां पे आते हैं 24.1 मेगापिक्सल का DX फॉर्मेट सेंसर के साथ यहां पे आते हैं, और इसका जो ISO है आपका 100 to 6400 आपको यहां पे मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसका ऑटोफोकस के बारे में बात करूंगा तो यहां पे 39 ऑटोफोकस पॉइंट आपको यहां पे मिल जाते हैं, मतलब यहां पे ट्रैकिंग करने के लिए बहुत ही सुविधा आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसका सबसे जो बड़ी बात है यहां पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहां पे आपको फ्लिप स्क्रीन आपको यहां पे मिल जाते हैं, मतलब इसके साथ आप यहां पे सेल्फी ले सकते हैं। और यहां पे अगर आप कोई भी यूट्यूबर है या ब्लॉगर है तो आप खुद को देख के आपका वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहां पे मेरा अभी जो फ्लिप जो डिस्प्ले है वो यहां पे मेरा यहां पे सामने खुला हुआ है और मैं देख के बात कर रहा हूं अभी, लेकिन फ्रेंड्स मेरा आई कांटेक्ट है आपका लेंस के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं हर वक्त कहता हूं कि अगर आपका वीडियो को अच्छा करना है, आपको इंटरेक्ट करना है पब्लिक के साथ, तो आपको आई कांटेक्ट रखना बहुत ही जरूरी है यहां पे। तो फ्रेंड्स ये कैमरा बहुत ही अच्छा है क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे एक अच्छा फीचर आपको यहां पे मिल जाते हैं, और इसका एक अपग्रेड वर्जन भी आया है वो फ्रेंड्स D5300, तो उसको अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, इससे थोड़ा बहुत यहां पे महंगा आपको मिल जाएगा और उसमें थोड़ा बहुत आपको फीचर भी ज्यादा मिल जाएगा, तो D5300 भी आप यहां पे ले सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद नंबर 5 लास्ट जो कैमरा की बात करूंगा वो फ्रेंड्स कैनन 1500D, और ये फ्रेंड्स कैमरा आपका 24.1 मेगापिक्सल के साथ यहां पे आते हैं सीमोस सेंसर के साथ, और इसका जो ऑटोफोकस पॉइंट है यहां पे 9 ऑटोफोकस पॉइंट आपको दिया है विद 1 क्रॉस सेंसर पॉइंट यहां पे आपको दिया है। और फ्रेंड्स इसका अगर ISO की बात करता हूं तो यहां पे 100 to 6400 तक आपको यहां पे ISO आपको यहां पे मिल जाते हैं, और इसके साथ आपको यहां पे वाईफाई NFC सेंसर यहां पे आपको मिल जाते हैं। और इसका अगर प्राइस की बात करता हूं तो यहां पे 27,000 अराउंड आपको यहां पे मिल जाएगा। तो इसका भी लिंक मैं मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, सारी कैमरा का लिंक मैं मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो वहां पे भी क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं, या आप गूगल करके भी परचेस कर सकते हैं, या लोकल स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे इतना ही, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और अगर आपका मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स से वहां पे लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ फिर से हाजिर हूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।